सायक, संधि, प्रणाली। सबसे पहले देख लेते हैं इसका परिचय क्या है और फिर बाद में देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताएं परिचय के अंदर सबसे पहले जो सहायक संधि प्रणाली थी ना, उसकी शुरुआत जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। कौन था? डुप्ले के द्वारा सबसे पहले इस अवधारणा का प्रयोग किया गया। लेकिन इसको औपचारिक तौर पर उसने मतलब कि या फिर इसको कहे कि व्यापक स्तर पर साम्राज्य विस्तार का साधन इसने नहीं बनाया। सबसे पहले इसने उपयोग तो किया था, इसने क्या किया था कि कोई भी जो राजा होता था ना, उसको सैनिक सहायता के बदले धन प्राप्त करता था, यानी धन के बदले वो उनको सैनिक सहायता देते थे। यानी डुप्ले ने क्या किया, धन के बदले में आपको सैनिक सहायता, लेकिन साम्राज्य विस्तार का हथियार इसको नहीं बनाया। दूसरा आता है लॉर्ड क्लाइव। आपको पता है क्लाइव, क्लाइव ने क्या किया कि इसको अवध के संबंध में सबसे पहले उपयोग में किया 1765 के अंदर। देखो मैंने कहा था ना, जब सहायक संधि पढ़ेंगे उस समय आपको किस प्रकार से देखो अवध, अब अवध के संबंध में इसको सबसे पहले 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस संधि के तहत क्या क्या बातें की गई थी कि आपको कंपनी की एक सेना रखनी होगी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी और एक ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ पर रहेगा, ये बातें की थी। लेकिन इसने क्या है कि इसको साम्राज्य विस्तार का बड़े व्यापक स्तर के ऊपर इसको प्रयोग नहीं किया और पहली बार इसको साम्राज्य विस्तार का साधन, इस अवधारणा का व्यापक विस्तार किसने किया, वेलेजली ने। बहुत बार क्या होता है कि जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं और यही से क्या है कि इस बता के शुरुआत करते हैं, सहायक संधि प्रणाली जानी जाती है वेलेजली के नाम से, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो डुप्ले ने की थी, वो अलग रूप में कि आप कोई भी राजा होता था वो धन देता था, उसके बदले में उसको सैनिक सहायता देते थे। क्लाइव ने क्या किया, अवध के संबंध में जब प्लासी का बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। अब देखो ये टॉपिक आपके बक्सर के युद्ध से जुड़ा हुआ है, तो जब बक्सर के युद्ध पढ़ रहे होंगे उस समय आपको सहायक संधि प्रणाली रिविजन करनी है कि यार वो मतलब कि जो सहायक संधि प्रणाली अवध के साथ हुई है वो अलग क्या थी, उसमें अलग क्या क्या प्रावधान थे, टॉपिक जुड़ा हुआ है क्योंकि टॉपिक सेम ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक करना है और आपको टॉपिक का रिवीजन करना है। वेलेजली ने क्या किया कि इसको साम्राज्य विस्तार का साधन बनाया और इसका उपयोग बहुत व्यापक स्तर के ऊपर किया। सबसे पहले अच्छा किन किन, एक और चीज इसके अंदर देखनी है अपन को, दूसरी किन किन राज्यों के साथ जो है वो, किन किन राज्यों के साथ ये संधि की गई, तो सबसे पहले ये 1798 में हैदराबाद का जो निजाम था उसके साथ की गई थी, ठीक है ना, हैदराबाद के निजाम के साथ। उसके बाद में आपको पता है, अब देखो मैसूर का युद्ध भी सहायक संधि प्रणाली से कैसे जुड़ा हुआ है, मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ था 1799 में, वेलेजली ने टीपू सुल्तान के खिलाफ आक्रमण किया और टीपू सुल्तान को पराजित करके मैसूर को पर अधिकार कर लिया और 1799 में। दूसरा जो संधि करने वाला राज्य था वो था मैसूर, मैसूर। तो जब सहायक संधि प्रणाली या मैसूर पढ़ रहे हो तब भी आपको सहायक संधि प्रणाली रिविजन करना है, बंगाल में जब बक्सर का युद्ध पढ़ रहे हो तब भी आपके सहायक संधि प्रणाली का रिविजन करना है, मैसूर के साथ 1799 में। तीसरा जो था 1801 में अवध के साथ जो नई सहायक संधि प्रणाली थी, पहले तो इसने कर ली थी लेकिन वो सहायक संधि प्रणाली इतनी व्यापक नहीं थी, उसको अंग्रेजों को ज़्यादा अधिकार नहीं थे, मतलब सीमित मित्र राज्य था, अंग्रेजों को वहाँ पर अधिकार थी, उसकी सुरक्षा की थी। लेकिन जो नया रूप बन के आया सहायक संधि प्रणाली का वो 1801 में अवध के साथ इन्होंने की, और 1802 में आपको पता है बाजीराव सेकंड ने 1802 के अंदर बेसिन की संधि करी, ध्यान है आपको किसके साथ, वेलेजली के साथ 1802 के अंदर। तो 1802 के अंदर मराठों के साथ इन्होंने ये संधि करी। इस प्रकार से ये सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर मराठे, ये इसका परिचय। अब देखते हैं कि ये संधि ऐसी क्या थी, क्या विशेषताएं थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर एक, ये जो संधि करने वाले राज्य होते थे उसके वहां पर दरबार के अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंट, कौन, एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा।
दूसरा, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी। अगर कोई भी दूसरा राज्य उसको पर आक्रमण करता तो अंग्रेजों की जिम्मेदारी है कि उस राज्य की सुरक्षा करनी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज्य के जो आंतरिक मामले हैं, आंतरिक मामले, अंग्रेजों ने कहा कि भाई राज्य कैसे शासन चलाया, कैसे दरबार कराया, लेकिन ये शर्त केवल नाम मात्र की थी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन धड़कनले से अंग्रेज हस्तक्षेप करते थे, कभी किसको नवाब, कभी किसको नवाब, नाम मात्र का राजा होता था, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात कही गई थी, लेकिन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप काफी होता था। चौथी इसकी विशेषता है विदेशी मामले। विदेशी जो मामले हैं वो अंग्रेजों की देखरेख में, यानी किस राज्य के साथ संधि करनी है, किस राज्य को पराक्रमण करनी है, वो अंग्रेजों की अनुमति, यानी कोई राज्य है, मान लीजिए ए राज्य, और उसका बी राज्य के साथ युद्ध करना है, संधि करनी है, क्या करना है, सबसे पहले किसके, अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेजों की अनुमति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक जो पॉइंट और ये है कि कुछ सेवा शर्तें थी, शर्तों में ये थी कि भाई आप किसी भी यूरोपीय या अन्य अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य यूरोपियों को अपने यहाँ पर सेवा के अंदर रखते थे तो उसके अंग्रेजों की अनुमति लेनी होगी, किसी दूसरी जो कंपनी होगी उसके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बना सकते। तो ये चार पांच जो है वो सेवा शर्तें मैं लिख देता हूँ, अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य को यूरोपीय अन्य यूरोपियों को अपने राज्य के यहाँ पर आप जो है वो नौकरी के ऊपर नहीं रख सकते थे। तो ये सहायक संधि प्रणाली थी।